नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 10 अक्टूबर 2024 और दिन है गुरुवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। गरीबों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसी के साथ बैठक में सीमावर्ती इलाके में नई सड़कों को मंजूरी दी गई है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी गई है। साथ ही मैरीटाइम हेरिटेज के विकास को मंजूरी मिली है। वहीं गुजरात के लोथल में दुनिया के सबसे बड़े NMCH बनाने की स्वीकृति दी गई है। राउत के बयान पर CM मोहन यादव ने किया पलटवार। शिवसेना नेता संजय राउत ने पिछले दिनों मुंबई में कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो गई है। अपने बयान के समर्थन में राउत ने मध्य प्रदेश के वित्त सचिव के पत्र का जिक्र भी किया। राउत के इस बयान पर CM मोहन यादव ने पलटवार किया है। यादव ने कहा कि जब से हमने लाडली बहना योजना शुरू की है, लगातार हर महीने निश्चित समय पर प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों को पैसे देने का काम किया है। CM डॉक्टर मोहन यादव बोले, युवाओं को रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की। श्योपुर के वीरपुर को दी 57,42,00,000 के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर पहुंचे। उन्होंने जिले के वीरपुर में आयोजित वन प्रबंधन समितियों के सम्मेलन में सहभागिता की एवं 57,42,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी औद्योगिक निवेश के लिए मीटिंग की है, वो इसलिए कि यहाँ जो बेरोजगार युवा बैठे हैं, आने वाले समय में इन्हें रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, जो IT के हैं वो वहाँ जाएंगे, जो कृषि में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाएंगे। हमारी सरकार ने फैसला किया है, जो पशुपालन करना चाहता है उसे हम प्रोत्साहन देंगे, हम उनका दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगे। शिवसेना UBT नेता संजय राउत पर भोपाल में FIR। शिवसेना UBT नेता संजय राउत के खिलाफ भोपाल में FIR दर्ज की गई है। भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा की नेता सुषमा चौहान ने क्राइम ब्रांच में राउत के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। राउत ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना बंद होने को लेकर 7 अक्टूबर को मुंबई में बयान दिया था। CM डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार कर इस बयान को महाराष्ट्र के वोटर्स को बरगलाने वाला बताया है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों की बनेगी प्रोफाइल, एक क्लिक पर मिलेगी ODOP से लेकर निवेश संबंधी जानकारी। मध्य प्रदेश के 55 जिलों की प्रोफाइल बनाई जाएगी। इसमें एक जिला एक उत्पाद की जानकारी, जिले के औद्योगिक क्षेत्र और उनमें उपलब्ध भूमि, कितनी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं या बंद और पर्यटन खनन कृषि सहित मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के क्षेत्रों की जिलेवार जानकारी उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक जिले की प्रोफाइल में एक क्लिक पर ये तमाम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकेंगे। 60,00,000 गाड़ियों का आसी रद्द, बनी कबाड़। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे 60,00,000 वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इन वाहनों की RC रद्द कर दी है और इन्हें सड़कों से हटाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया है। श्रीराम पद गमन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन। मध्य प्रदेश में श्रीराम पथगमन के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया है। श्रीराम पथगमन के कामों के क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा के लिए विभागीय सचिवों की समिति बनाई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी पद गमन स्थलों के विकास की इंटीग्रेटेड स्कीम के निर्माण, इसके कार्यों के क्रियान्वयन व नियमित समीक्षा के लिए काम करेगी। मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश में कल पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ होगा। CM मोहन इसका शुभारंभ करेंगे। MP में रजिस्टर की जाने वाली प्रॉपर्टी की GIS मैपिंग, बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन के साथ ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर व्यवस्था सभी जिलों में शुरू होगी। व्यवस्था के लागू होने के बाद रजिस्ट्री के लिए गवाह की जरूरत नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर सकेंगे। मक्का के कम दाम मिलने से किसान नाराज। खंडवा मंडी में मक्का का सही दाम नहीं मिलने पर किसानों ने खंडवा इंदौर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने कहा कि जो मक्का 2,200 से 2,300 रुपए तक खरीदी गई,
आज उसका दाम 1300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसडीएम मंडी पुलिस के साथ मौके पहुंचे। उन्होंने किसानों की बात सुनी और जाम हटाया। एक किसान ने कहा कि आज किसान काफी परेशान है, हमें सही दाम नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश ड्रग्स फैक्ट्री खुलासे के बाद उद्योग विभाग की जमीनों का होगा ऑडिट। भोपाल में उद्योग विभाग के प्लॉट पर ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद अब एमपी के सभी औद्योगिक इकाइयों में भूखंडों का ऑडिट होगा। प्रदेश स्तरीय ऑडिट की रूपरेखा तैयार कर जिला मुख्यालय पर सर्वे के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भूखंड को अन्य किसी को किराए पर देने, वहां उद्योग के अलावा शोरूम या अन्य कोई गतिविधि संचालित पाए जाने पर भूखंड निरस्त करने की कार्रवाई होगी।